दोस्तों, अक्षय कुमार आने वाले समय में कई फिल्मों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। अब एक और सुपरहिट फिल्म उनके खाते से जुड़ गई है, वही फिल्म जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म का नाम है दोस्तों सिंघम अगेन, जिसमें अक्षय कुमार की मौजूदगी ऊपर मोहर लग गई है। वही इस फिल्म में सूर्यवंशी का किरदार निभाते नजर आएंगे। इसके जरिए उन्हें एक बार फिर डायरेक्टर रोहित शेट्टी का साथ मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक अजय देवगन अभिनीत सिंघम अगेन में अक्षय कुमार और रणवीर सिंह दोनों की मौजूदगी की पुष्टि कर दी गई है। मार्वल यूनिवर्स की तरह जहाँ फिल्म में बाकी कलाकारों के कैमियो दिखाए गए हैं, वही अब सिंघम अगेन में भी ऐसे ही कैमियो होंगे। रणवीर की सिम्भा में जैसे अजय देवगन और अक्षय कुमार ने कैमियो किया था, वैसे ही अक्षय कुमार की सूर्यवंशी में रणवीर और अजय देवगन को देखा गया। अब अजय देवगन अभिनीत सिंघम अगेन में अक्षय कुमार और रणवीर होंगे। सूर्यवंशी 2021 में आई थी। 160 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 300 करोड़ का कलेक्शन किया था। यह रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की चौथी फिल्म थी, जिसमें अक्षय कुमार का स्वैग और एक्शन को लोगों ने काफी पसंद किया। सिंघम अगेन में दीपिका पादुकोण भी दिखाई देंगी। अजय देवगन और दीपिका को एक साथ देखना काफी दिलचस्प होगा। जहां अजय देवगन को बाजीराव सिंघम के किरदार में देखने के लिए फैंस बेताब हैं, वही कॉप यूनिवर्स में पहली बार दीपिका को भी फीमेल कॉप के रूप में देखने के लिए दर्शक भी कम उत्साहित नहीं है। वह फिल्म में लेडी सिंघम के अवतार में दिखेगी। दीपिका पहली बार अजय देवगन के साथ काम करने वाली है। सिंघम अगेन सिंघम फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। वही रोहित शेट्टी इस फ्रेंचाइजी के निर्देशक है। इसकी पिछली दोनों फिल्में सफल रही। 2011 में सिंघम दर्शकों के बीच आई थी और 2014 में सिंघम रिटर्न्स रिलीज हुई थी। इन दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। वही अब दोस्तों सिंघम 3 में अक्षय सर का कैमियो देखने को मिलने वाला है, तो वही साफ कि सूर्यवंशी 2 भी आने वाली है। जी हाँ, और सिंघम 3 आने के बाद हमें डायरेक्टर सूर्यवंशी 2 देखने को मिलने वाली है। हाल ही में आई सूर्यवंशी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की थी, लेकिन कोरोना की वजह से मूवी के कलेक्शन में काफी असर देखने को मिला। खैर, मूवी काफी बड़ी साबित हुई। अब फैंस सूर्यवंशी 2 का इंतजार कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, सूर्यवंशी 2 कितने करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी और ऐसे ही अक्षय कुमार की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।